हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज के वीडियो में हम जानेंगे डेटा टाइप्स इन सी। सी में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। चलिए तो बिना देर किए लेट अस स्टार्ट। वेरी फर्स्ट थिंग, डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा और वैल्यूज दैट आर गोइंग टू बी डेल्ट। इसका मतलब यह है कि हम अपने प्रोग्राम में किस तरह की वैल्यूज़, किस तरह के डेटा से डील करने वाले हैं, यानी कि कंपाइलर को हम कौन सा डेटा प्रोवाइड करने वाले हैं अपने पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए। हमने जो प्रोग्राम कोड लिखा है उसमें, तो उसके लिए हमको डेटा टाइप्स, यानी व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू यूज़, हमको उसका टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है कंपाइलर के लिए। तब जाके कंपाइलर उसको समझता है और फिर हमें डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट करता है, मतलब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज सी लैंग्वेज प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स विच कैन बी यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स। यानी सी लैंग्वेज में बहुत टाइप्स के, लाइक कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स, ऐसे करके बहुत सारे और भी डेटा टाइप्स हैं जो सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो मतलब जैसी उनकी आवश्यकता होती है उस तरह से। तो सी में डेटा टाइप्स क्यों यूज़ होते हैं, ताकि कंपाइलर को ये पता चल ले कि जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उसका टाइप क्या है, और अगर हम कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में तो वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। यू कैन सी हियर वेरिएबल एंड रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द टाइप ऑफ अ पैरामीटर ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई फंक्शन बनाया है लाइक इंटीजर एफ, और हमने यहाँ पे डाला है इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। सो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या स्पेसिफाई करता है कि इस फंक्शन में दो वैल्यूज़ पास की गई हैं जिनका टाइप int है, इंटीजर है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ वो ये बताता है डेटा टाइप कि वेरिएबल का टाइप क्या है, दूसरा अगर कोई फंक्शन है तो वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर फंक्शन कॉल में हो रहा है तो कौन से, किस टाइप के पैरामीटर्स पास किए गए हैं। अनसी सी जो है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो तीन टाइप के डेटा टाइप्स हैं वो प्रोवाइड करती है। सबसे पहला है प्राइमरी डेटा टाइप्स, जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। इनमें आता है वॉइड, इंटीजर, कैर, डबल, फ्लोट, ओके। देन डिराइव्ड डेटा टाइप्स, यानी एरे बना सकते हैं आप, रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हैं, जानते हैं इनके बारे में आगे। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिसमें स्ट्रक्चर, यूनियन और इनमरेशन आता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक नोट है, C99 जो है वर्ज़न, अनसीसी कब आया था, अराउंड 1989 के आसपास अनसीसी आया था, और C99 आया था 1999 में। तो इसमें और अनसीसी में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि C99 जो वर्ज़न है सी लैंग्वेज का, उसमें तीन नए डेटा टाइप्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। वन इज़ बूल, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। तो बूल जो है वो बूलियन वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए और इमेजिनरी नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आइए देखते हैं साइज़ एंड रेंज ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप्स। हमने जैसे देखा अभी, प्राइमरी डेटा टाइप्स कौन से हैं, वॉइड, इंटीजर, कैर, डबल एंड फ्लोट। तो इनकी साइज़ एंड रेंज देखते हैं। कैरेक्टर का जो साइज़ होता है वो होता है -128 to 127, इंटीजर का होता है -32768 to 32767, और फ्लोट का दिस वन एंड डबल का दिस वन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल कैर ए, इसका मतलब यह है कि हमने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यानी कि ए नाम से एक मेन मेमोरी में मेमोरी अलॉट होगी जिसका टाइप क्या रहेगा, कैर। सो दिस कैर कैन होल्ड वैल्यूज़ रेंजिंग फ्रॉम -28 to 127, यानी उसका साइज़ माइनस में अगर जाए, नेगेटिव में -128 तक हो सकता है साइज़, और पॉजिटिव में कहाँ तक, 127 तक। 16-bit मशीन की बात हो रही है। फिर इंटीजर टाइप जो है उसमें -32768 से रेंज करता है +32767 तक। वैसे ही फ्लोट में 3.4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, और फिर वैसे ही डबल में, ठीक है। सो कैरेक्टर टाइप्स, कैरेक्टर टाइप्स आर यूज टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यूज़, कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इनका यूज़ होता है। और उसी तरह से इसके दो टाइप्स हैं, एक है साइंड और एक है अनसाइंड। साइंड का मतलब अगर आप उसके सामने कोई साइन लगा, लाइक प्लस माइनस, ओके, तो
कैरेक्टर का साइज जो होता है इट इज़ 1 bytes. 1 bytes मतलब 1 byte इज इक्वल टू 8 bits. ओके, सो इसकी रेंज क्या होगी? क्योंकि ये साइंड है, देर इज़ अ साइन बिफोर द कैरेक्टर जो भी उसमें एंटर हो रहा है, सो उसका साइज़ -128 to 127 होगा. और अगर अनसाइंड कैरेक्टर है तो उसका साइज जो रहेगा वही रहेगा, उसकी रेंज 0 to 255 होगी. अगर आप इनको ऐड करें तो भी आपको यही मिलेगा. ओके, माइनस मतलब आप यहाँ पे माइनस नहीं होगा, मैं उतनी लोकेशंस की बात कर रहा हूँ. उस रेंज को अगर आप ऐड करें 128 और 127 को, ठीक है, तो कितना होगा? 552. ओके, सो अगर अनसाइंड कैरेक्टर है तो 0 to 255 ये कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव वैल्यूज़ में है तो -128 से 127 तक के होल्ड करेगा. सो नेक्स्ट इज़ इंटीजर टाइप, और ये यूज़ होता है होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए. इस टाइप में भी आप अनसाइंड, साइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, इन कीवर्ड्स का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के इंटीजर वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइज़ दिए हुए हैं. लाइक दिस इज़ शॉर्ट इंटीजर, इंटीजर का शॉर्ट वर्जन है, सो उसके लिए 1 byte दिया हुआ है, वैसी उसकी रेंज दी हुई है. जैसे हमने साइंड कैरेक्टर में देखा था उसकी रेंज भी -128 to 127 थी, वैसे यहाँ पे साइंड शॉर्ट इंटीजर जो है उसकी भी रेंज उतनी ही है. ठीक है, और फिर अगर 2 bytes, वैसे ही साइंड इंटीजर, ये शॉर्ट नहीं है, दिस इज साइंड इंटीजर, तो उसकी डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है? 2 bytes, और उसकी रेंज होती है -32768 to 32767. और अगर हम अनसाइंड इंटीजर की बात करें तो वो वैल्यू, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव साइड में 0 to 655535 होगी. वैसे ही लॉन्ग इंटीजर, उसका साइज जस्ट डबल हो जाएगा किससे? इंटीजर से, बिकॉज हमने यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर डिक्लेयर किया है, लॉन्ग कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो उसका साइज़ हो जाता है 4 bytes. वैसे ही अनसाइंड लॉन्ग का भी 4 bytes, और वैल्यू रेंज करती है -2 plus -2 negative to positive, एंड अनसाइंड में 0 to this range. ओके, नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स. फ्लोटिंग टाइप्स आर यूज टू स्टोर रियल नंबर्स, लाइक जो डेसिमल वैल्यूज़ में होते हैं उनके लिए हम अक्सर यूज़ करते हैं फ्लोटिंग टाइप्स. और फ्लोटिंग टाइप्स में हमारे पास आ जाता है फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल. ओके, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि C99 जो वर्जन है उसमें एक नया इंटीजर टाइप यूज़ किया गया है, लॉन्ग लॉन्ग. ओके, वो भी इंटीजर टाइप के जो डेटा टाइप होता है उसके लिए यूज़ होता है कीवर्ड. जैसे यहाँ पे हमने लॉन्ग का यूज़ किया है, वैसे एक और कीवर्ड है लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है C99 में. सो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स में हमारे पास हैं फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल. वैसे फ्लोट का डिफ़ॉल्ट साइज़ अगर 16 बिट मशीन में देखें तो 4 bytes होता है. दी फ्लोट का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो होता है 4 bytes, और वो रेंज करता है, ये हमने जो देखा पहले उसमें. और वैसे डबल जो है उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 8, उसका रेंज है ये. और लॉन्ग डबल का जो रेंज है वो है 10 bytes. आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर होगा वो. ओके, अब मतलब कितनी बड़ी वैल्यू आप इसमें स्टोर कर रहे हैं लॉन्ग डबल में. इससे पहले हमने जो ये जो टाइप्स देखे, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोटिंग वैल्यू टाइप्स, ये जो हैं ये थे प्राइमरी डेटा टाइप्स. सो नाउ वी आर मूविंग टू डिराइव्ड डेटा टाइप्स. ओके, तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं एरेज, रेफरेंसेज एंड पॉइंटर्स. एरेज का यूज़ होता है सीक्वेंस ऑफ डेटा आइटम्स हैविंग होमोजीनियस वैल्यूज, मतलब इंटीजर टाइप का वैल्यूज़ को आप एक एरे के फॉर्म में, अ सीक्वेंस के फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो लाइक दिस. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो जब आप डेटा आइटम्स को सीक्वेंस के फॉर्म में यूज़ करते हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि उनका टाइप जो है वो एक ही होना चाहिए. ठीक है, इट शुड हैव होमोजीनियस वैल्यूज़, यानी अगर इंटीजर है तो इंटीजर, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, फ्लोटिंग है तो फ्लोटिंग. ठीक है, दे हैव एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वैल्यू. मीन्स अगर कोई एरे अगर 001 एड्रेस से शुरू हो रहा है तो वो एरे की जो आगे की वैल्यू होगी वो 002003. दिस आई एम राइटिंग इन डेसिमल वैल्यू, लेकिन जो एड्रेस होता है वो
अलग फॉर्म में होता है। तो ये एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये 00100 एडजेसेंट यानी 1 by 1 वैल्यूज स्टोर होती है मेमोरी लोकेशंस में। ओके, जैसे यहाँ लिखा है एरेज आर सीक्वेंसेस ऑफ डेटा आइटम्स हैविंग होमोजेनस वैल्यूज और दे हैव एडजेसेंट मेमोरी लोकेशंस, यानी आसपास में ही रहती हैं इनकी मेमोरी लोकेशन जो होती है वैल्यूज को स्टोर करने के। फिर आता है रेफरेंसेस। ओके, फिर आता है रेफरेंसेस। तो फंक्शन पॉइंटर्स अलाउ रेफरेंसिंग फंक्शंस विथ अ पर्टिकुलर सिग्नेचर, यानी हम यहाँ पे फंक्शन को, जैसे हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, कोई फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, कोई हमने एक फंक्शन बनाया एफ, तो जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल भी किसी मेमोरी का एक नाम होता है, तो जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के लिए भी मेमोरी अलॉट होती है। तो अब जब मेमोरी अलॉट हुई है तो उस मेमोरी का एक एड्रेस भी होगा। सो हम रेफरेंस के ज़रिए हम फंक्शन को पॉइंट कर सकते हैं, फंक्शन पर हम एड्रेस लेवल पे वर्क कर सकते हैं। ओके, वैसे ही पॉइंटर्स जो हैं, इट इज़ यूज्ड टू एक्सेस द मेमोरी विद देयर एड्रेस। पॉइंटर्स जो होते हैं, जैसे हमने जनरली हम कैसे डील करते हैं इंटीजर ए, इसका मतलब ये हुआ कि ए मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन जो है वो अक्वायर कर ली गई है जिसका नाम ए दिया गया है। ओके, तो ये तो हमको पता चला कि उस मेमोरी लोकेशन का नाम ए है, लेकिन उस मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस भी तो है। तो वो एड्रेस जिसकी ये मेमोरी लोकेशन है, तो हम ए पे ना जाके हम डायरेक्ट एड्रेस पे डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने देखा डेराइव डेटा टाइप्स। अब आते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, पहले हमने देखा था प्राइमरी, देन हम मूव किए कहाँ पर, सबसे हमने देखा प्राइमरी, फिर हमने देखा डेराइव, नाउ वी आर लुकिंग फॉर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में भी तीन है, वहाँ पर स्ट्रक्चर है, यूनियन है, इनमरेशन है। लेट अस सी, डिक्लेयर अ पैकेज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स अंडर अ सिंगल नेम। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए, सो दिस इज़ एन इंडिविजुअल वेरिएबल। ओके, सो जब हम पैकेज बनाते हैं, लाइक स्ट्रक्चर का यूज़ बनता है, कैसे आप देखते हैं यहाँ लिखा है स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्ट ऐसा बनाएंगे और उसके अंदर में फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ रहेंगे, इंटीजर ए, कैरेक्टर बी और फ्लोट एक्स, इस टाइप से हम एक पैकेज बना सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स का, कैसे, स्ट्रक्चर का यूज़ करके। तो स्ट्रक्चर के जैसा ही क्या होता है, यूनियन भी होता है। तो इट अलाउज स्टोरिंग वेरियस डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन। इसमें भी आप वेरियस डेटा टाइप्स का यूज़ करके एक पैकेज बना सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि स्ट्रक्चर जो होता है, अगर हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्ट हमने कुछ वैल्यूज़ बना ली, अगर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है तो इसका साइज़ आपने जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उनके साइज़ के बराबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने इंटीजर ए और कैरेक्टर बी बनाया, ठीक है, तो ए का, इंटीजर का हमने साइज़ देखा था कितना होता है 2 bytes, कैरेक्टर का हमने देखा था 1 byte, तो इसका टोटल साइज़ क्या हो जाएगा, 3 bytes। लेकिन जब हम यूनियन बनाते हैं, तो यूनियन में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक यूनियन बनाया है, ठीक है, और इसमें हमने भी इंटीजर ए और इंटीजर ए और कैरेक्टर बी नाम के दो वेरिएबल्स बनाए हैं, तो इसमें जो साइज़ होगा वो जिस डेटा टाइप का आपने वेरिएबल बनाया है, मतलब हाईएस्ट जिसका साइज़ होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इंटीजर ए 2 bytes है, कैरेक्टर बी 1 byte है बिकॉज इट इज़ कैरेक्टर, ठीक है, तो इंटीजर का साइज़ क्या है, 2 bytes, तो यूनियन का टोटल साइज़ क्या होगा, 2 bytes, यानी लार्जेस्ट वेरिएबल जो होगा, लार्जेस्ट साइज़ का जो वेरिएबल होगा उसका साइज़ होता है यूनियन का साइज़, ठीक है, और इसको डिक्लेयर करने के लिए यूनियन जो होता है, यूनियन कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। अब फिर आता है इनमरेशन। इनमरेशन इज़ अ स्पेशल डेटा टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स एंड ईच ऑफ देम इज असाइंड विद अ स्पेसिफिक नेम इनम, ठीक है, आप इसमें आप जो भी वैल्यूज़ हैं उनको इनमरेट कर सकते हैं। इस डेटा टाइप के ज़रिए आप ऑटोमेटिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अपने आइटम्स को, आप अपने डेटा को इनमरेट कर सकते हैं। ये हम देखेंगे इनमरेशन को कैसे यूज़ किया जाता है। फिर एक आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सी लैंग्वेज में एक ऑपरेटर है साइज ऑफ,
तो साइज ऑफ का यूज़ करके आप किसी भी डेटा टाइप का साइज पता कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, सो विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट आप साइज ऑफ ब्रैकेट में ए डालेंगे और इसकी वैल्यू को जब आप प्रिंट कराएंगे तो आपको आपने जो ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसका साइज आपको पता चल जाएगा। ओके, आइए छोटे से प्रोग्राम से देखते हैं इसको कैसे करना है। ओके, सो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं void main, ये मैंने एक main function बनाया है। ओके, देन वी आर मूविंग टू द टूवर्ड्स द बॉडी, curly braces start, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ int a। ओके, देन आई एम डिक्लेयरिंग वेरिएबल कैरेक्टर b, देन फ्लोट c एंड double डबल d। ठीक है, ये मैंने क्या किए हैं, सॉरी आई हैव नॉट टर्मिनेटेड द स्टेटमेंट्स, इनको टर्मिनेट करना ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है a, देन अ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल b, देन फ्लोट c, देन डबल d। अब मैं इनका साइज पता करना है मुझे कितना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं इनको इनके साइज को प्रिंट कराऊंगा। ओके, प्रिंट एफ साइज ऑफ इंटीजर परसेंट डी बैकस्लैश एन साइज ऑफ कैर परसेंट डी बैकस्लैश एन साइज ऑफ फ्लोट परसेंट डी बैकस्लैश एन एंड साइज ऑफ व्हाट एंड साइज ऑफ डी ओ यू बी एल ई डबल परसेंट डी। नाउ दिस इज कम्प्लीटेड, आई विल पुट अ कॉमा मार्क। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करना है, तो मैं कैसे करूँगा, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने कैसे किया है, मैंने इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट और डबल डेटा टाइप का यूज़ करके ए बी सी और डी ये डेटा टाइप्स मैंने वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं। अब हमने यहाँ पे तो अब मैंने देखो यहाँ पे आपको समझाया था, हेयर साइज ऑफ ब्रैकेट में ए, इंटीजर का इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है ए उसको मैंने साइज ऑफ की जो पैरामीटर है उसमें डाल दिया। ठीक है, तो इसी तरह से मैं कैरेक्टर फ्लोट और डबल के लिए भी डालूँगा। लेट अस सी, पहले मुझको उसको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे साइज ऑफ ब्रैकेट में ए, ये हो गया इंटीजर का, देन साइज ऑफ ब्रैकेट में बी, ये हो गया कैरेक्टर का, कॉमा साइज ऑफ व्हाट सी, कॉमा साइज ऑफ डी, ये डबल वाला। नाउ पैरेंथेसिस को बंद करूँगा और ये मैंने टर्मिनेट किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आएंगे हम गेट सी एच, क्योंकि हमको स्क्रीन को रोके रखना है। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। सो देखिए, साइज ऑफ इंटीजर 2, साइज ऑफ कैरेक्टर 1, साइज ऑफ फ्लोट 4 एंड साइज ऑफ डबल 8। ओके, यही हमने देखा।
ठीक है, इस तरह से आपने जो भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसका आप साइज़ जो है वो आप पता कर सकते हैं साइज़ ऑफ ऑपरेटर से। ओके, सो दिस वाज द वीडियो अबाउट डेटा टाइप्स इन सी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।